Hello students, today we are going to read English, an alien hand of class 7th, lesson number 8, The Bear Story, part 2. So student, this is part 2. Okay, in the previous video we had learned about a bear who is lived with her owner, a lady. ठीक है, तो जो वो भालू है वो बहुत ही समझदार है, बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है एंड वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक वेजिटेरियन है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ काइंड एंड फ्रेंडली बेयर. सो नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में. He was also put on the chain on Sunday when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. So students, अब जो वो भालू था वो रात के समय तो चेन से बंधा ही रहता था, साथ ही साथ वो संडे के दिन भी चेन से बंधा हुआ रहता था. तो संडे को क्यों बंधा रहता था? क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो अपनी बहन के घर जाती थी. तो जो उसकी बहन थी, जो भालू की मालकिन थी, वो अपनी मैरिड सिस्टर यानी कि जिनकी शादी हो गई थी उन सिस्टर के पास जाती थी, जो कि रहती थी इन अ सॉलिटरी हाउस, जो कि एक अकेले यानी कि एक डेंस फॉरेस्ट था, उसमें एक अकेला घर था और वहां पर उनके उनसे मिलने जाया करती थी. ठीक है, जो कि अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक, माउंटेन लेक के दूसरी तरफ वो घर था. अ गुड आवर्स ऑफ वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, डेंस मीन्स होता है घना, तो एक घने जंगल से काफी अच्छी खासी दूरी पे वो था, तो एक घने जंगल से होकर के गुजर के उस जंगल को पार करने के बाद उनकी बहन का घर था. It was not supposed to be good for him to wander about in the forest with all its temptation. और ये अच्छा नहीं था कि जो उसकी मालकिन थी वो भालू को भी अपने साथ ले जाती, क्योंकि जो भालू था वो तरह तरह के लालच उसे रास्ते में दिखते, उसे तरह तरह की चीजें दिखती, वो कहीं जाना चाहता, तो इस तरह से वो ऐसी लालच जब भालू को थी, यानी कि जब हम कभी मार्केट में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं एज अ चाइल्ड, अगर हम एक बच्चे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं जिन पे हमारा मन ललचा जाता है. तो भालू भी ठीक वैसे ही जब वो फॉरेस्ट से जाता था तो उसको भी कई सारी लालच भरी चीज़ें दिखती थी, सो वो उसको अपने साथ नहीं ले जाती थी. एंड इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, तो इससे अच्छा था कि वो सेफ ही रहे और वो घर में ही रहे. He was also a bad sailor and had once taken such a fright at the sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. अब एक बार क्या हुआ कि जो उसकी मिस्ट्रेस थी तो उसकी मिस्ट्रेस जो है उसे अपने साथ लेकर के गई, लेकिन हुआ क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि माउंटेन लेक के दूसरे साइड उनकी बहन रहती थी, तो उन्हें एक लेक को जो है पार करना था. तो जो भालू था वो एक गुड सेलर, सेलर यानी कि नाविक, जहाज चलाने वाला भी नहीं था. तो एक बार क्या हुआ कि जब वो भालू और उसकी मिस्ट्रेस उसकी बहन के घर जा रहे थे तो वो नाव में बैठे हुए थे और एक सडन गस्ट ऑफ विंड, तभी एक हवा का तेज सा झोंका आया जिससे कि जो भालू था वो घबरा गया, और घबराने के कारण जब वो हिला तो उसके कारण जो बोट थी उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो लेक में गिर गए, पानी में गिर गए. और फिर उसके बाद जो भालू था और उसकी मिस्ट्रेस थी उनको शोर यानी कि किनारे तक तैर करके आना पड़ा, इतना ज्यादा वो भालू डर गया था कि वो नाव पलट गई. नाउ ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इज मीन्ट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज. अब वो जानता था कि उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसे संडे को चेन से बांधती थी, और वो क्यों बांधती थी ये भी वो समझ चुका था. विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड एंड द प्रॉमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हर एब्सेंस. तो हमेशा जब वो जाती थी अपनी बहन के यहां तो वो भालू के सिर पर जो है प्यार से थपथपा के
और उसे एक एप्पल का प्रॉमिस करती थी कि जब वो वापस आएगी तो वो उसे वापस उसे एक एप्पल देगी यदि उसने उसकी एब्सेंस में वो अच्छे से रहा तो। अगर उसने कुछ शैतानी की तो उसे एप्पल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो अच्छे से रहा तो उसे एप्पल जरूर मिलेगा। ही वॉज सॉरी बट रिजाइंड लाइक अ गुड डॉग व्हेन हिज मिस्ट्रेस टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर अ वॉक। उसे इस चीज का काफी बुरा लगता था कि वो अपने मिस्ट्रेस के साथ नहीं जा सकता था जो कि साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन एक अच्छे कुत्ते की तरह जब भी उसकी मिस्ट्रेस जो है उससे कहती थी, ठीक है, कि जब तक कि जब उसकी मिस्ट्रेस उससे कहती थी कि वो उसके साथ नहीं आ सकता है, तो वो एक अच्छे डॉग की तरह मान जाता था। वन संडे, अब एक बार क्या हुआ, ठीक है, वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेंज हिम अप एज यूजुअल एंड वाज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट। अब एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही संडे था और लेडी ने जो है भालू को चेन से बांधा जैसे कि वो हमेशा करती थी, और वो जो है अपनी बहन से मिलने निकल पड़ी। जब वो हाफ वे यानी आधे रास्ते में थी जंगल के, शी सडनली थॉट शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ अ ट्री ब्रांच ऑन द विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर। तो जब वो आधे रास्ते में थी तो सडनली अचानक से उसने, जो आपने देखा होगा कि जंगलों में रास्तों में जो है ट्री के जो ब्रांचेस होते हैं वो पड़ी हुई होती हैं, तो उसने क्या सुना कि रास्ते में ट्री ब्रांचेस की टूटने की, क्रैक होने की आवाज सुनी। ठीक है, जैसे लकड़ी टूटती है जब वो हमारे पैर के नीचे आती है, तो वैसी आवाज उसने सुनी। विंडिंग पाथ फुटपाथ बिहाइंड हर, यानी कि जो घुमावदार रास्ते होते हैं जंगल में, पगडंडियां होती हैं, तो उनमें जो है उसने उस आवाज को सुना। शी लुक बैक, उसने पीछे देखा, एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग अलोंग फुल स्पीड। और उसने पीछे देखा और वो देख करके डर गई कि जो एक भालू है उसकी तरफ फुल स्पीड में, अपनी फुल स्पीड में जो है उसकी तरफ आ रहा है। बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स। अब जो बियर होते हैं उनको जो हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो वो चल रहे हैं या भाग रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे शफल, यानी कि जो उनके बाल होते हैं उनकी बॉडी काफी हैवी होती है, तो हमें लगता है कि जो वो बियर है वो काफी धीरे बहुत स्लोली चल रहा है। बट रियल बात यह है कि वो किसी भी घोड़े के बराबर ही तेज भागते हैं। इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, और कुछ ही एक ही मिनट में वो जो है उस लेडी के पास आ गया। पैंटिंग एंड स्निफिंग, अब वो जो भालू था वो हांफ रहा था, ठीक है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है, तो उसकी सांस फूल रही थी, वो हांफ रहा था। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, सो जो भालू था वो हांफ रहा था, सूंघ रहा था, एंड वो जो है लेडी के पास आकर के ही खड़ा हो गया, ठीक है, अपनी हील्स पे। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, अब ये सब कुछ देख करके जो लेडी थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई कि वो भालू जो है उसने उसकी बात नहीं मानी और वो उसके पीछे पीछे आ गया। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर द लंच, देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम। अब वो पहले ही लंच के लिए देर हो चुकी थी, ठीक है, उसे, और उसके पास इतना समय नहीं था कि वो भालू को वापस घर ले जा सके, ठीक है। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि जो भालू है वो उसी के साथ वहां पे आए। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और इसके अलावा ये भी था कि उसने, वो इतना ज्यादा शरारती हो चुका था कि उसने जो है डिसओबे किया, यानी कि आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने मालकिन की बात नहीं मानी। शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, अब उसने एक बार जो है अपनी जो है डांटने वाली वॉइस में उसको कहा कि वापस चले जाओ। मैनेजिंग हिम विद हर पैरासोल ही स्टॉप, अब जो है उसने अपने छाते से जो है उसको डराते हुए वापस जाने को कहा। ही स्टॉप अ मोमेंट, तो वो कुछ एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए वो रुक गया। एंड लुक एट हर विद हिज कनिंग आईज, और उसके बाद जो है अपनी लालची या अपनी चालाक आंखों से लेडी को देखने लगा।
but did not want to go back and kept on sniffing at her. और उसने जो है वापस जाने से, वो बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहता था, वो बिल्कुल वापस नहीं गया, बल्कि वो लेडी को क्या कर रहा था, स्निफिंग यानी कि सूंघ रहा था. When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two. अब उस लेडी ने जब वापस जाने के लिए कहा वो नहीं गया, लेकिन तभी लेडी ने देखा कि उसने अपना जो नया कॉलर था, आप देखेंगे कॉलर मीन्स जो हम कुत्तों के गले पे जो पट्टा बांधते हैं उसे कॉलर कहते हैं, तो उसने देखा कि उस भालू ने अपना कॉलर भी खो दिया. और इससे जो है जो लेडी थी वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गई और उसने अपने पैरासोल, पैरासोल यानी कि छाता, अम्ब्रेला से उसकी नाक पे जोर से मारा और उसने इतने जोर से मारा कि जो अम्ब्रेला था वो दो पीसेस में टूट गया. ही स्टॉप्ड अगेन, दोबारा से जो है वो रुक गया. शूक हिज हेड एंड ओपन्ड हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स एज इफ ही वॉन्टेड टू से समथिंग. अब जब उसको लेडी ने मार दिया तो उसके बाद जो है वो अपने सिर को हिलाने लगा और अपने मुंह को उसने कई बार खोला जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो. देन ही टर्न अराउंड एंड बिगेन टू शफल. और उसके बाद वो दोबारा से वापस मुड़ा और शफल यानी कि हिलने लगा. अब यहाँ पे हिलने का मतलब है कि जैसे जब भालू चलता है तो उसकी जो पूरी बॉडी है वो हिलती है, शफल होती है ऊपर नीचे, तो उसे ही शफल कहा गया है. और भालू जो है वापस चला गया. He had come stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. अब भालू जो है वापस मुड़ा और चलता गया और फिर वो रुक के पीछे देखने लगा, फिर वो चला, फिर वो थोड़ी देर पीछे मुड़ के देखने लगा. तो ऐसे ही वो करता रहा, चलता रहा और पीछे मुड़ के देखता रहा जब तक कि वो लेडी उसको दिखनी बंद नहीं हो गई. ठीक है, यानी कि लेडी भी वहां से चली गई. When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. अब जब लेडी वापस आई घर शाम को तो उसने देखा जो बेयर है वो बैठा हुआ है अपने यूजुअल, जहां वो अधिकतर बैठा रहता था, यानी कि अपने कैनल के आउटसाइड, अपने कैनल के बाहर वो बैठा रहता था, तो वो वहीं पे बैठा हुआ था. और लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और बहुत ही ज्यादा जो है दुखी सा वो अपने आप को दिखा रहा था क्योंकि वो दिन भर चेन से बंधा हुआ था. द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, लेकिन जो लेडी थी वो अभी भी गुस्से में थी. शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सेवरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन्ड फॉर टू मोर डेज. अब जो लेडी थी वो गई वहां पे और उसने उसको भालू को बहुत ही डांटा, स्कोल्ड यानी कि डांटा, और बहुत ही बुरी तरीके से जो है उसको डांटा और हड़काया और उसको कहा कि उसे दो दिन के लिए और उसे चेन से बंधा हुआ रहना पड़ेगा. द ओल्ड कुक हु लव द बेयर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्रीली. अब जो कुक थी जो कि भालू को अपने बेटे के समान मानती थी, वो जो है किचन से बाहर आई फटाफट से और वो गुस्सा करने लगी. व्हाट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेस, अब वो कहती है कि आप इसे किस लिए डांट रही हैं मिसेस. सेड द कुक ही हैज बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे ब्लेस हिम. अब वो कहती है कि ये तो जो है पूरे दिन भर इतने अच्छे से रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से रहा, उसके लिए तो आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए कि दिन भर जो है बहुत ही अच्छे से रहा, इसने कोई परेशान नहीं किया मुझे. ही हैज बीन सिटिंग हियर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चेस एज मीक एज एन एंजल. अब कुक ने कहा कि ये तो पूरे दिन भर जो है यहीं पे अपने हॉन्चेस यानी कि जो पीछे की टांगे होती हैं जिस पर कि जो कि हम बैठने के लिए यूज करते हैं स्पेशली एनिमल्स, तो ये जो है अपने हॉन्चेस पे जो है पूरे दिन भर इतना संतुष्ट और इतना शांत होके बैठा रहा जैसे कि कोई एंजल यानी कि कोई परी हो, उतने अच्छे से ये बैठा रहा, इसने किसी तरह की कोई परेशानी मुझे नहीं दी. लुकिंग द होल टाइम टुवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक. और ये जो है पूरे दिन भर हर समय गेट की तरफ देखता रहा कि आप कब वापस आओगी. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लेसन खत्म होता है. बट अब यहाँ पे
हमें ये समझना है कि अगर जो बेयर है, जो लेडी का बेयर था, वो जब दिन भर वहीं पे बैठा हुआ रहा, उसने कुक को कुछ भी परेशानी नहीं दी, तो फिर जो जंगल में लेडी को मिला वो भालू कौन था? आई होप यू हैव अंडरस्टूड, वो कोई और भालू था। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि जब जो लेडी का भालू था वो जब घर में बैठा हुआ था, तो जो जंगल में मिला, फॉरेस्ट में मिला लेडी को, इसका मतलब वो कोई और भालू था, जिससे कि लेडी ने अपना भालू समझ के डांटा, मारा और वहां से भगा दिया। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी बेयर स्टोरी। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।